आज मैं आपको मैथ्स का ये तीन क्वेश्चन 10, 11, 12 जो है ये तीनों आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये लेवल टू टाइप क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो बुक है ये है आर डी शर्मा की बुक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स की। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला 10th क्वेश्चन क्या बोला, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, दे आर इन द रेशियो 2:3, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। हमें यहाँ पे ये बोलना है कि न्यूमरेटर और डिनोमेटर जो है उन दोनों का जो सम है वो क्या है, 4 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का ट्वाइस प्लस 4 मोर देन है, 4 ज्यादा है, ठीक है ना। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर इंक्रीज बाय 3, अब ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमेटर को 3 से इंक्रीज कर दिया, दोनों को 3 से इंक्रीज किया, बढ़ाया गया है 3 नंबर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो 2:3 बनेगा। तो हमें यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड करना है कि क्या फ्रैक्शन होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से आपको शायद समझ में ना आए, इसको मैं अगर लिख के समझाऊंगी तो ज्यादा ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रैक्शन कहते किसे। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इन मैथ्स में, आपने देखा होगा कि 1/2 नंबर दिखता होगा, कभी आपको 4/9 दिखता होगा, 3/12 दिखता होगा। इस तरीके से जो नंबर आपको दिखते हैं ना अपॉन में, ये सब क्या है, अपॉन में है। तो इसी को फ्रैक्शन कहा जाता है, इसी को फ्रैक्शन कहा जाता है। और हम जानते हैं कि ये जो ऊपर वाला नंबर रहता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला नंबर रहता है उसको डिनोमेटर बोलते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा 1 है, यहाँ डिनोमेटर हमारा 2 है। तो इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। जब भी आपको इस टाइप का नंबर दिखे अपॉन में, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें फ्रैक्शन ही फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमेटर की भी बात हो रही है। अब क्या न्यूमरेटर है क्या डिनोमेटर है ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमेटर में तो कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि यही नंबर हो, कुछ भी हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमेटर। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट मान के चलेंगे, लेट हम ये मान के चलेंगे कि न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमेटर क्या है, वाई। क्योंकि हमें यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमेटर यहां पर एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें लेट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, यानी कि जैसे फ्रैक्शन का मतलब क्या, कोई नंबर होगा, जैसे मान लीजिए यही फ्रैक्शन, तो इसमें न्यूमरेटर 1 है और यहाँ पर डिनोमेटर क्या है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो कुछ पता है ना, इसलिए हम यहाँ पर न्यूमरेटर क्या मान के चलेंगे कि जो फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है वो हम एक्स मान लें। लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी वाई। तो हमने x और y माना, न्यूमरेटर x और डिनोमेटर y, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा बताइए। अभी मैंने आपको समझाया फ्रैक्शन इस फॉर्मेट में होता है। तो हमें तो न्यूमरेटर डिनोमेटर पता नहीं, इसलिए हमने x और y बनाया है, x और y माना है, तो फ्रैक्शन क्या होगा भाई, x अपॉन y, यही तो फ्रैक्शन हुआ। अब x और y क्या है, वही हमें निकालना है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द फ्रैक्शन, हमें वही फ्रैक्शन फाइंड करना है। मतलब यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है कि x क्या है और y की क्या वैल्यू है। जब हमें x और y पता चल जाएगा तो हम अपॉन में कर देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर न्यूमरेटर को x माना है, डिनोमेटर को y, तो फ्रैक्शन हमारा यही तो बनेगा ना। फ्रैक्शन में क्या रहता है, एक न्यूमरेटर रहता है, एक डिनोमेटर रहता है, और बीच में एक लाइन रहती है अपॉन डिवाइड करता है जो कि, तो इसी को हम फ्रैक्शन कहेंगे। ये हमारा क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन है। तो ये हमने यहाँ पे सब लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्या बोला, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर। देखिए सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमेटर का सम बोल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, हमने न्यूमरेटर एक्स माना है, डिनोमेटर वाई माना है, तो सम क्या होगा भाई, एक्स प्लस वाई ही तो होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, न्यूमरेटर ये, डिनोमेटर ये, जोड़ दिया तो ये आया, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे बोला हमने क्या किया, दोनों को जोड़ लिया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये जो हमारा एक्स, ये जो फ्रैक्शन हमारा, ये जो बना है ना एक्स अपॉन वाई, इसी फ्रैक्शन की बात हो रही है। इसी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर हमारा है और ये जो डिनोमेटर वाई, इन दोनों का सम ये है। ये हो गया, आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा है कि 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 times, किसका, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का 2 times। तो देखिए पहले तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को जो ऐड कर लिया, न्यूमरेटर और डिनोमेटर को। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमेटर का जो सम है वो क्या है, 4 more than twice the न्यूमरेटर का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर क्या, ये है एक्स है भाई, ये एक्स हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, वाई हमारा डिनोमेटर है। तो ट्वाइस द न्यूमरेटर का मतलब क्या है, न्यूमरेटर का ट्वाइस। तो न्यूमरेटर का ट्वाइस क्या होगा भाई, इसमें 2 into कर देंगे, न्यूमरेटर में 2 into कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। ट्वाइस द न्यूमरेटर का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में 2 into कर दिया, न्यूमरेटर हमारा x है तो उसमें हमने 2 into कर दिया, तो ट्वाइस द न्यूमरेटर हो गया। फिर क्या बोला, 4 more than ट्वाइस द न्यूमरेटर का ट्वाइस है और उसमें 4 more than, यानी कि इसमें आपको +4 जोड़ना पड़ेगा, और ये हमारा क्या था, दोनों का सम,
जो है वो क्या है, फोर फोर मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ट्वाइस और उसमें प्लस फोर, फोर मोर देन का मतलब इसी में आपको जोड़ना है। तो ये हम यहाँ पर आप इक्वल टू साइन लगा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो सम है ना वो क्या है, फोर मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर है, फोर मोर देन, फोर मोर देन, जहाँ मोर देन बोले ना तो उसमें वो नंबर आप जोड़ दीजिए। किस में जोड़ेंगे, ट्वाइस द न्यूमरेटर में। तो पहले ट्वाइस द न्यूमरेटर हमारा क्या था, हमारा न्यूमरेटर एक्स है, ट्वाइस का मतलब इसमें टू इंटू कर दिया तो टू एक्स, और फोर मोर देन मतलब प्लस फोर इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x वेरिएबल को एक साइड कर देंगे और नंबर को एक साइड। वेरिएबल हमारा क्या है, x और y ही है, तो x और y को एक साइड कर दीजिए। तो देखिए ये x प्लस वाई है, पहले इसको लिख लीजिए। अब ये क्या है, टू एक्स, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इस 2x को हम इधर लेकर आएंगे, तो प्लस 2x इधर रहेगा तो माइनस 2x हुआ इक्वल टू, और ये 4 यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये प्लस x है और ये माइनस 2x है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2x में से एक x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, एक x ही तो बचेगा। अब क्योंकि यहाँ पर बड़ा हमारा क्या है, 2 बड़ा है और इसका साइन क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x आएगा प्लस, और ये हमारा बचा हुआ इसको यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल टू 4। हमारे पास क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हम ये किस चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन बनते हैं दो वेरिएबल के, तो यहाँ वेरिएबल हमारा क्या है, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बना लीनियर इक्वेशन। तो ये पहला जो बोला था कंडीशन, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ये इतना जो बोल रहा है ना उसके हिसाब से हमने ये निकाला। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बनाई, यहाँ से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारा लास्ट में ये आया। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, क्योंकि पहला लीनियर इक्वेशन मिल गया है तो एक और लीनियर इक्वेशन आपको मिलेगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3। अब देखिए क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से इंक्रीज किया गया है, तो इंक्रीज यानी कि बढ़ाया गया है, बढ़ाया दोनों को, तो इसमें यानी कि 3 हम जोड़ेंगे ही ना, इनकेस में क्या होता है बढ़ाना है ना, तो 3 जोड़ेंगे। तो देखिए हमारा न्यूमरेटर क्या है, हमने देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, जो मेन आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माना है, तो इस इंक्रीज्ड बाय 3 मतलब कि देखिए यहाँ बोला ना इंक्रीज्ड बाय 3, तो न्यूमरेटर हमारा x है तो पहले यहाँ x लिखिए और डिनोमिनेटर हमारा y है, अब दोनों में इंक्रीज कीजिए प्लस 3 दोनों में हमको क्या करना है, प्लस 3 जोड़ना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 3 देन, तो आपने इंक्रीज कर दिया तो ये आया, बढ़ा दिया दोनों में प्लस 3 दोनों में कर दिया। अब क्या बोल रहा है, दे आर इन द, तो उनका रेशियो क्या बनेगा, जो रेशियो बनेगा 2:3 बनेगा। 2:3 रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो जो ये लिख रहा है रेशियो 2:3, रेशियो 2:3 का मतलब क्या है भाई, ये रेशियो 2:3 का मतलब क्या है, 2/3 ही तो होगा ना। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले आपने क्या कर दिया, प्लस 3 जोड़ दिया। अब क्या, अब यहाँ पर देखिए जो रेशियो बनना है वो 2:3 बनना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, अब जब इसमें 3 इंक्रीज कर देंगे तो अब हम इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे, रेशियो का मतलब क्या, फ्रैक्शन ही तो हुआ, तो अब हम उसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ रेशियो बोल रहा है ना 2:3 अपॉन में बोल रहा है, तो इसलिए हम पहले तो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस 3 जोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको अपॉन में लिखेंगे। अपॉन में क्यों लिखेंगे, न्यूमरेटर ऊपर रहता है डिनोमिनेटर नीचे रहता है, तो ये न्यूमरेटर हमने ऊपर लिख दिया और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ये वाई +3 यहाँ पर लिख दीजिए। तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 इंक्रीज करेंगे तो जो रेशियो बनेगा इक्वल टू फ्रैक्शन जो बनेगा वो 2/3 बनेगा। रेशियो 2:3 का मतलब क्या है, 2/3 भाई, 2:3 की, ये रेशियो का साइन है, इसका क्या मतलब होता है, कहीं पर भी आप ये 2:3 लिखेंगे, 3 देखेंगे तो इसका क्या मतलब है, 2/3 ही के तो बराबर होता है ना। तो यहाँ पर इस तरह से रेशियो में दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है जिसमें 3 इंक्रीज किया गया है उसको बाद में आप इसी तरीके से लिखेंगे, अपॉन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा, तो इस तरीके से हमने कर दिया। तो अब देखिए यहाँ से पहला इक्वेशन तो हमें ये मिला, पहला कंडीशन जो बोला था, अब ये हमको दूसरा मिला है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, फिर एक्स और वाई को एक साथ कर देंगे और नंबर को एक साथ कर देंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 जो है इससे इंटू होगा, तो 3 लिखिए यहाँ पर, और देखिए 3 जो है इससे इंटू होगा x प्लस 3 से, तो यहाँ पर दो टर्म है x और 3, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर ये इक्वल टू ये 2 यहाँ पे लिखिए और ये y प्लस 3 यहाँ लिखिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 जो है ब्रैकेट खोलेंगे, 3 दोनों से इंटू होगा, 3 को x से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा, प्लस 3 को 3 से इंटू करेंगे, 3×3=9 आएगा, इक्वल टू, उसी तरह से ये 2 जो है इससे इंटू होगा तो 2×y 2y हो जाएगा, प्लस 2 जो 3 से इंटू होगा 2×3=6 ये हो गया हमारे पास।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई एक साथ कर लेंगे। तो देखिए ये थ्री एक्स यहीं पर रहने दीजिए, ये नाइन को हम उधर ले जाएंगे और टू वाई को हम इधर लेकर आएंगे। तो देखिए साइन के साथ देखना है आपको, ये देखिए इसका ऑलरेडी साइन प्लस है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस टू वाई होगा। फिर ये देखिए इक्वल टू यहाँ लगाइए। अब ये सिक्स जो है ये आप जैसे है वैसे यहाँ पर आएगा, बस हम नाइन को उठाकर उधर शिफ्ट करेंगे। इसका साइन प्लस है, प्लस नाइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस नाइन हुआ। अब ये देखिए सिक्स में से नाइन, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो नाइन में सिक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा दोनों में से बड़ा क्या है, नाइन बड़ा, इसलिए जो नाइन का साइन है वो लगेगा और इसका साइन क्या है निगेटिव, तो यहाँ माइनस थ्री माइनस साइन लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए थ्री एक्स माइनस टू वाई ये लिख दीजिए इक्वल टू, इसको सॉल्व किया कितना है माइनस थ्री। तो दूसरा इक्वेशन हमें ये मिला, एक इक्वेशन हमें मिला ये और दूसरा इक्वेशन हमें मिला ये। तो देखिए ये जो पहला इक्वेशन आया था माइनस एक्स प्लस वाई, इसको हम और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो y का साइन प्लस, इसको हम पहले लिख देते हैं और x का साइन क्या माइनस, तो इसको हम बाद में लिख देते हैं। बस जगह बदली है, y को पहले लिख दिया और माइनस x को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ और करके इक्वल टू फोर, तो ये ज़्यादा सही लग रहा है y माइनस एक्स इक्वल टू फोर। तो हमको दो इक्वेशन मिले, एक ये मिला और दूसरा हमें क्या मिला, ये मिला। तो देखिए दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, एक ये इक्वेशन आई है दूसरी ये आई है। आप दो कन्फ्यूज यहाँ नहीं होना है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। तो कोई भी पहले लिखिए या कोई भी बाद में लिखिए, मतलब जरूरी नहीं है कि पहले ये लिखिए उसके बाद ही इसके नीचे ये लिखिए, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं और उसके बाद इसके नीचे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आया है, दोनों क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देती हूँ y माइनस एक्स इक्वल टू फोर। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आया थ्री, इसके नीचे लिखिए, दोनों क्वेश्चन को एक साथ एक के नीचे लिख दीजिए। ठीक है ना, तो ये हमने दोनों क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ये आया हमारे पास। तो अब ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गए हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन रहते हैं तो उनको सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी जस्ट हमें वही करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगी। देखिए क्यों मैं सॉल्व करूँगी, देखिए ये जो पहला वाला जो इक्वेशन है y माइनस इक्वल टू फोर, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को बराबर करना होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, x वाला जो वेरिएबल है उसको मैं बराबर कर दूंगी। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से इंटू कर दूँ, तो 3 से इंटू करने का मतलब ये भी इंटू होगा, 3 से ये भी होगा, ये भी होगा। तो जब 3 से इसको इंटू कर देंगे तो आप फिर इसको नहीं आपको टच करना है सेकेंड वाले इक्वेशन को। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको 3 से इंटू कर देंगे फिर आप जब दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल जो है कोफिशियंट के साथ बराबर है। कोफिशियंट्स के बराबर के कोफिशियंट किसे कहते हैं, जो एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर एक्स के साथ क्या नंबर है मल्टीप्लाई, थ्री, तो इसको बोलेंगे कोफिशियंट। ठीक है, तो अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगी तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट को थ्री से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y किससे, थ्री से करेंगे। तो देखिए हमारा ये इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल टू फोर, इसको हम इंटू कर रहे हैं थ्री से ना, तो ऐसे यहाँ पर थ्री इंटू इस तरीके से पूरे में ब्रैकेट लगा के यहाँ थ्री इंटू कीजिए। तो अब थ्री को इससे इंटू करेंगे तो ये थ्री वाई हो जाएगा, माइनस थ्री को इससे इंटू करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा इक्वल टू, फिर थ्री को फोर से भी इंटू कीजिए तो थ्री फोर जा ट्वेल्व। तो अब हमारा ये इक्वेशन बदल गया, चेंज हो गया, हमने थ्री से इसको इंटू कर दिया तो ये आया। ठीक है, अच्छा ये जो दूसरा इक्वेशन है, अब इस दूसरे इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए। तो क्या है, देखिए 3x माइनस थ्री वाई, ये देखिए 3x माइनस सॉरी 3x माइनस टू वाई है, 3x माइनस टू वाई ये है इक्वल टू क्या है माइनस थ्री। ये आगे हमारे पास, अब देखिए इस पे ध्यान दीजिए आप, कौन सा वेरिएबल है जो सेम है कोफिशियंट के साथ। अब जैसे 3x यहाँ पर भी है ना, तो अब देखिए अब दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड में यही तो तरीका होता है ना, किसी एक वेरिएबल को कोफिशियंट के साथ बराबर करना होता है। अब हमारा बराबर हो गया, यहाँ पर भी 3x दिख रहा है, यहाँ पर भी 3x दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नया इक्वेशन आया है दो ठो, अब आप यहाँ पर कैसे काटेंगे इसको, तो आप साइन देखिए 3x का साइन क्या है निगेटिव है, और यहाँ पर 3x का साइन क्या है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसको प्लस माना जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है साइन पर डिपेंड करता है कि वेरिएबल का साइन क्या है। अब क्योंकि यहाँ माइनस है इसका साइन यहाँ पॉजिटिव है, अगर हम दोनों इक्वेशन को, क्योंकि हमें एक वेरिएबल को कैंसल आउट करना है ना, एक वेरिएबल को खत्म करना है तभी तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर 3x यहाँ पर भी 3x है, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड में माइनस और प्लस दोनों कर सकते हैं। क्वेश्चन इक्वेशन के हिसाब से हमें यहाँ पर सोचना है कि हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे कि तब कैंसिल होगा कि माइनस करने पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तभी तो ये दोनों कटेगा, ऐड करने पर क्यों कटेगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है तो इक्वल एंड अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो इसका साइन देखिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, तब नीचे वाला ये प्लस है तो नीचे हो जाएगा, इसका साइन सब्ट्रैक्ट करने पर इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, तब तो ये कटने वाला तो है नहीं कि यहाँ पर तो दोनों ऐड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आई है थर्ड और फोर्थ, हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या हमारे पास 3y - 3x इक्वल टू 12, और नीचे वाला क्या साइन है, ये वाला 3x, ये इक्वेशन लिख दिए यहाँ पर 3y - 3x इक्वल टू 12, नीचे क्या 3x - 2y इक्वल टू -3। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि जब ऐड करते हैं तो नीचे का कोई साइन बदलता नहीं है, जब हम यहाँ सेपरेट करेंगे तो नीचे जितना साइन है सब बदल जाता है, तो यहाँ ऐड करेंगे तभी ये कैंसिल होगा, देखिए ये प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल। अच्छा इसका साइन क्या है, प्लस हम जानते हैं, और इसका साइन क्या है, -2y है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 3y में से आप 2y एक माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, वाई ही तो आएगा, ठीक है। अच्छा ये इसका साइन क्या है, प्लस है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 3 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो हमें एक y की वैल्यू मिल गई 9। अब हमें क्या चाहिए, एक वाई की वैल्यू मिल गई, अब हम इसको x की वैल्यू में लाना है, ठीक है। तो देखिए हमें जो सबसे पहले इक्वेशन मिला था क्या मिला था, y - x = 4, ये मिला था ना शुरू में, तो इसमें आप पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इन इक्वेशन किस में, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो ये आई थी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, y - x = ये देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा y - x = यहाँ पर कहाँ मैंने लिखा था, मैं दिखा दूँ आपको, हाँ ये रहा देखिए, y - x = क्या है, 4 है ना, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रख दीजिए 9, y की वैल्यू आगे रख दिया, -x = 4, हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो इसका साइन लेके निगेटिव ये भी देखना है, तो हम ये माइनस एक्स को उधर साइड लेकर चले जाएंगे RHS में, और 4 को हम LHS में लेकर चले जाएंगे। तो देखिए 9 यहाँ लिखिए, ये इसका साइन प्लस 4 है, इधर आएगा LHS में, तो ये -4 हो जाएगा इक्वल टू, और माइनस एक्स को हम उधर लेकर जाएंगे तो माइनस एक्स RHS में जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, 9 में से 4 की क्या बचा, 5 बचा। तो देखिए हमारे पास एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आई है हमारे पास, जो हमने निकाला वो आया है 5, और y की वैल्यू आई है 9, और हमने यहाँ पर फ्रैक्शन क्या माना था, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, जो मैंने फ्रैक्शन माना था, यस ये देखिए फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन हमारा क्या था, x अपॉन y था ना, यही था ना, तो हमको फ्रैक्शन ही तो लाना है, क्या फ्रैक्शन है, तो देखिए x अपॉन y, x की वैल्यू की फ्रैक्शन हमारा ये था, तो अब x वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू 5 है और y कितना है 9, तो यही हमारा आंसर, यही वो फ्रैक्शन है, यही वो फ्रैक्शन है। अब आप सोचेंगे कि ये आंसर हमारा सही भी आया है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन बने हैं, देखिए पहला इक्वेशन हमारा ये बना था y - x = 4, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बना था जब हमने इसको सॉल्व किया था, तो दूसरा इक्वेशन हमारा बना था आप देख सकते हैं ये आया था 3x - 2y = -3, ठीक है ना, दूसरा इक्वेशन हमारा ये आया था। तो आप किसी भी दोनों इक्वेशन, कोई भी दो इक्वेशन आपके पास जो है उसी में कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए, और उसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू रख दीजिए, और एलएचएस में देखिएगा रखने के बाद आरएचएस के बराबर आता है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको चेक करके भी दिखा देना चाहती हूँ। जैसे मेरे पास जो आया है यहाँ पर क्या आया है हमारे पास, हाँ जो हमारे पास आया है मैं आपको दिखा दूँ, फ्रैक्शन हमारा कितना आया है यहाँ पर, हाँ ये 5/9 आया है, मैं इक्वेशन जो लेकर चल रही हूँ वो मेरा है 3x - यस मैं यहाँ दिखा दूँ 3x - क्या आया था हमारा 3x - 2y = -3 -3 ये आया था हमारा। तो इसी इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू रखते हैं, किस में, LHS साइड में, तो देखिए 3 लिखिए, इनके बीच में है इनटू का साइन इनटू x, x कितना है देखिए, x की वैल्यू 5 आई है, यहाँ पर रख दीजिए, माइनस ये क्या है 2 इंटू y कितना आया, y 9 आया, रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 5 15 और 9 2 18, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 माइनस करेंगे 3 आएगा, लेकिन 18 बड़ा है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें LHS में रखा, जो आंसर आया है हमारा वो RHS के बराबर आ गया है, -3 - 3 आ गया ना, बराबर इक्वल हो गया ना, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो भी सही आया है, और फ्रैक्शन हमारा आंसर यहाँ पर क्या है 5/9। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब उस तरीके से चलिए मैं ये 11 वाला सॉल्व करती हूँ, तो 11 वाला भी क्या है, यही ये तीनों क्वेश्चन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब फ्रैक्शन यहाँ पर तीनों में निकालना है, ठीक है। तो चलिए 11 समझ लेते हैं, इधर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय द 5 बाय द फ्रैक्शन बाय 5 द फ्रैक्शन बिकम्स 6/5 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 द फ्रैक्शन बिकम्स 2/5 फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है
जिसका कि न्यूमरेटर जो है वो क्या है, 2 से मल्टीप्लाइड है, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इज रिड्यूस्ड, 5 से रिड्यूस्ड है। मतलब रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, कम, घट रहा है। डिनोमिनेटर में 5 अपने हम माइनस कर देंगे तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 6/5। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर इफ द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाए, इफ द डिनोमिनेटर इज डबल्ड एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, और न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया जाए, किससे, बाय 8 से इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि बढ़ा दिया जाए, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/5। तो यहां पर हमें फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन ही फाइंड करना है। सब मैंने आपको समझा दिया, तो यहां पर भी आप लेट मानेंगे कि लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, यही मानेंगे तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, एक्स अपॉन वाई, यही तो बनेगा फ्रैक्शन। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये क्या बोला, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, ये x है, तो क्या बोला है, इस x को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से। तो देखिए हमारा न्यूमरेटर क्या है, x, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया जा रहा था, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। और डिनोमिनेटर को क्या बोल रहा है, एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 5। डिनोमिनेटर क्या है, इज रिड्यूस्ड मतलब कम है, कम हो रहा है, किससे, बाई 5 से। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, y, डिनोमिनेटर यहाँ लिखिए, डिनोमिनेटर किससे रिड्यूस हो रहा है, 5 से, तो y माइनस 5 कीजिए, y माइनस 5, ये हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हमने न्यूमरेटर में 2 इंटू कर दिया और डिनोमिनेटर में 5 माइनस कर दिया, तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, घटाना। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 6/5। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन 6/5 का मतलब क्या है कि आपको ये न्यूमरेटर हमारा भाई, ये हमारा क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो पहले इन दोनों को फ्रैक्शन में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, ये 2 इंटू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2x, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, फिर इसको अपॉन कीजिए, और डिनोमिनेटर हमारा ये है, तो इसको नीचे लिखिए, तो यही तो फ्रैक्शन बना। तो जब हम न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को 5 से घटा देंगे, 5 से रिड्यूस कर देंगे, तो जो फ्रैक्शन बनेगा यानी कि इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा वो फ्रैक्शन, आप देखिए क्या लिखा है, 6/5। तो इसको आप 6/5 कर दीजिए। तो एक कंडीशन के से हमें क्या मिला, ये एक इक्वेशन मिली है, यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 जो है 2x से इंटू होगा, तो 5 इंटू 2x करेंगे तो 10x आएगा, इक्वल टू उसी तरह 6 को, ये 6 जो है किससे इंटू होगा, 6 जो है ये y माइनस 5 दोनों से इंटू होगा, तो पहले ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, आप देखिए 6 को y से इंटू करेंगे 6y, माइनस 6 को 5 से इंटू करेंगे 6y 30, ये आया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स वाई एक साइड कर लेते हैं, तो 10x यहीं पर रहेगा, ये 6y इसका साइन प्लस है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 6y हुआ, इक्वल टू, और ये क्या है, माइनस 30। तो हमें एक इक्वेशन ये मिला, ठीक है, ये एक इक्वेशन मिली। अब देखिए दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे कंडीशन क्या कह रहा है, इफ द डिनोमिनेटर इज डबल्ड। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या था, देखिए हमने हम जो मेन हमने फ्रैक्शन माना था वो ये है, इसमें न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर को डबल कर दिया गया, डिनोमिनेटर डबल मतलब कि x से डबल, मतलब कि ये हमारा डिनोमिनेटर है, अब इसमें इसको क्या कर देगा, डबल कर देगा। डबल का मतलब क्या है भाई, इसमें 2 ही तो इंटू करेंगे, डबल हो गया, या डबल, या ऐसे समझ लीजिए, डबल का मतलब क्या है कि इसमें x और जोड़ देंगे, x प्लस x, यही तो डबल हुआ ना। इफ द, सॉरी ये डिनोमिनेटर नहीं है मेरा, इफ द डिनोमिनेटर, यहाँ क्या बोला, इफ द डिनोमिनेटर इज डबल, ये सॉरी मैंने न्यूमरेटर यहाँ पर x ले लिया था, इन x तो हमारा न्यूमरेटर है ना, हमारा यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, y है। तो देखिए y, तो डबल, इफ द डिनोमिनेटर इज डबल मतलब कि डिनोमिनेटर को डबल करने का क्या मतलब है, या तो ये हमारा डिनोमिनेटर y, या तो इसमें आप 2 इंटू कर दीजिए, या तो फिर आप y में एक और y जोड़ दीजिए, दोनों का मतलब तो सेम ही है, या तो 2 इंटू कर दीजिए और या तो y में एक और y जोड़ दीजिए, तो यही तो मतलब होता है ना डबल। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को क्या बोला, इस डबल, अब डिनोमिनेटर डबल हो गया यानी कि 2y हो गया, समझ में आया ना कैसे आया है 2y। और क्या बोला, एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8। अब देखिए न्यूमरेटर को इंक्रीज्ड किया गया है, कितने नंबर से, 8 नंबर से इंक्रीज हुआ है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमने क्या माना था, न्यूमरेटर हमारा क्या है, x है, यही हमारा ओरिजिनल न्यूमरेटर है, इसमें इंक्रीज किया गया है 8 नंबर से, तो इंक्रीज का मतलब बढ़ना, यानी कि हम इसमें प्लस ऐड जोड़ेंगे ना, तो अब हमारा ये नया न्यूमरेटर बन गया। पहला ओरिजिनल हमारा न्यूमरेटर x था और ओरिजिनल डिनोमिनेटर हमारा y था, लेकिन जब हम इसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस कर देंगे तो फ्रैक्शन भी तो बदल जाएगा ना। तो जब आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को डबल कर देंगे और न्यूमरेटर में आप 8 इंक्रीज कर देंगे, तो जो रेशियो हमारा बनेगा, जो फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2.5 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो जो चीज़ किया, आपने न्यूमरेटर में क्या बदलाव किया, इसमें 8 इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर को डबल किया, तो पहले ये जो हमारा आया है नया न्यूमरेटर, ये नया न्यूमरेटर है, ये हमारा नया डिनोमिनेटर, तो पहले इन दोनों को फ्रैक्शन में लिखिए। तो ये हमारा न्यूमरेटर है, तो x प्लस 8 पहले लिखिए,
ऊपर अपॉन और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहता है, इसको नीचे लिख दीजिए। तो ये जब हम इसमें चेंज करेंगे ओरिजिनल में, ओरिजिनल न्यूमरेटर हमारा एक्स है और डिनोमिनेटर हमारा वाई है, अब इसमें कुछ भी आप चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन तो हमारा चेंज हो जाएगा ना, होगा कि नहीं चेंज। तो देखिए इसमें जब हमने कुछ चेंज किया, एट इंक्रीज किया और डिनोमिनेटर को डबल किया, तो फ्रैक्शन क्या बनना है, फ्रैक्शन बिकम्स 2/5। ये फ्रैक्शन बन गया 2/5। तो यहाँ से हमें ये सेकंड इक्वेशन मिली, इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, ये इक्वेशन पहली इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो करेंगे तो 5 से ये पूरा टर्म इंटू होगा 5, ये क्या है x प्लस 8 है ना, तो पहले आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए फिर इसको इंटू कीजिए। तो यहाँ इंटू लगा दीजिए इक्वल टू, ये 2y जो है किससे इंटू होगा 2 से, तो 2y इंटू 2 क्या होगा, तो 2 जब 4 और y यही होगा इंटू करने पर, ये तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटू करना होगा, 5 को x से इंटू किया तो 5x प्लस 5 को 8 से इंटू किया, 5 जब 40 ये आएगा इक्वल टू ये क्या है हमारा 4y। अब हम क्या करेंगे, x और y एक साथ कर देंगे, नंबर उधर कर देंगे, ठीक है ना, आरचेस में। तो देखिए 4y का साइन प्लस 4 प्लस है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू, अब ये प्लस 40 है, इसको हम आरचेस में ले जाएंगे तो प्लस साइन है इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, हो गया ना। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आया। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, ये था 10x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। दूसरा इक्वेशन ये, अब दोनों इक्वेशन को आप लिख लीजिए साथ में, ठीक है। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है, 10x माइनस 6y इक्वल टू क्या है माइनस 30 है, यहाँ लिख लीजिए। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, ये है। ये दोनों इक्वेशन को लिख दिया साथ में। अब मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करूँगी, जैसे मैंने ये 10 वाला सॉल्व किया था ना, तो यहाँ पर आप मैं यहाँ पर x के वेरिएबल को बराबर कर लूँगी विथ कोफिशियंट। तो देखिए हमारे पास ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, तो गौर कीजिए कैसे हो सकता है बराबर, कोई एक वेरिएबल कोई भी एक्स सेलेक्ट कर लीजिए, मैं तो एक्स ही सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। तो मैंने ये वाला इक्वेशन देखा, यहाँ पर पहला वाला जो एक्स का जो कोफिशियंट है वो 10 है और यहाँ पर जो एक्स का कोफिशियंट है 5 है। अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से इंटू कर दें तो ये 10x पूरे को इंटू कर देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 10x हो जाएगा, तो यहाँ पर वेरिएबल आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई किससे, 2 से। तो देखिए पहले सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 है, इसको हम किससे इंटू करेंगे 2 से। तो 2 से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर 2 से इंटू करने पर क्या आएगा, देखिए 2 से इसको इंटू किया तो 2 × 5 = 10x आया, और माइनस 2 को 4 से इंटू किया तो 2 × 4 = 8y आया इक्वल टू, फिर 2 से इसको भी इंटू कीजिए तो 2 और 40 क्या हो जाएगा 80 हुआ विथ निगेटिव साइन। तो हमारा ये सेकंड वाला इक्वेशन बदल गया, क्या आया, ये आया। अच्छा और ये वाला इक्वेशन क्या था, पहला वाला इक्वेशन क्या था, अब देखिए यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन लिखिए क्या है, 10x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30, ये है पहला इक्वेशन, ये देखिए पहला इक्वेशन ये है। और सेकंड इक्वेशन में हमने 2 इंटू किया तो क्या आया, ये आया। तो पहला इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको जब 2 से इंटू किया तो ये आ रहा है, तो इसके नीचे ये वाला इक्वेशन लिखिए, 10x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80 आया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड्स में प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ देखना है कि ये देखिए बराबर हो गया, एक्स वाला टर्म जो है विथ कोफिशियंट बराबर हो गया, 10x यहाँ भी है 10x यहाँ भी है। अच्छा दोनों की साइन क्या है, दोनों की साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तब तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, दोनों ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, ये भी कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो अगेन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिखिए, 10x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30, दूसरा क्या है 10x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80 आया। अब देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए, और इसका साइन पहले क्या था, प्लस था, अब जैसे ही जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब नीचे वाली साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब जितना नीचे आपको टर्म दिख रहा है 10x 8y और 80, इन सब का साइन अभी ये वाला माना जाएगा जो नीचे बदला है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, इसका साइन क्या है, प्लस है, ये तो पहले से ही प्लस था, ये प्लस 10x है और इसका साइन अब ये माइनस माना जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, सेम नंबर है विथ कोफिशियंट, तो ये वेरिएबल कट हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, माइनस 6y और इसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8y में से आप 6y माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 2y आएगा इक्वल टू, अब देखिए ये है माइनस 30 और यहाँ पर ये क्या है, प्लस 80 है, अब ये साइन माना जाएगा ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 80 में से 30 माइनस करेंगे तो 50 आएगा,
या तो अब देखिए 2y = 50 है, 2 और y के बीच में इंटू का साइन है, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये 2 इंटू में इसको इधर लेके आएंगे, 2 इसके डिवाइड में चला गया। तो अब ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 25 से 50 होता कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आई, 25 आ गई। अब हमें x की भी तो वैल्यू चाहिए, तभी तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा, फ्रैक्शन ही तो हमें यहाँ फाइंड करना है ना, क्या लिखा फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या हमने माना, फ्रैक्शन हमारा ओरिजिनल यही ना है x अपॉन y। तो y की वैल्यू यहाँ आ गया 25, अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपके पास दो इक्वेशन आए थे ना, देखिए पहला इक्वेशन ये आया था, दूसरा इक्वेशन हमारा ये था। अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, उसमें y की वैल्यू रख दीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं ये वाला इक्वेशन लेके चल रही हूँ, क्या है हमारा ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड था ना, तो यहाँ पर इसको इसको इक्वेशन का नाम दे दीजिए ए। तो मैं क्या लिखूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में रखना है, तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए 5x - 4y = -40। ये है तो देखिए 5x - 4y की वैल्यू कितनी है, 25, तो इंटू इनके बीच में इंटू का साइन है, तो इंटू y की वैल्यू कितनी है, यहाँ रख दीजिए 25 = -40। तो ये हो जाएगा 5x माइनस, अब देखिए 4 25 जो क्या होगा, 4 5 जा क्या होगा 20, 4 2 100 है = -40। यह है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये तो यहीं पर रहेगा 5x इक्वल टू ये -100 ना, हम इधर लेकर जाएंगे। तो देखिए -40 पहले यहाँ ले दीजिए, अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो -100 इधर जाएगा तो +100 हो जाएगा ना। तो 5x = अब देखिए +(-) तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए और 5 इसके साथ इंटू में है, तो क्या होगा, ये 5 इधर लेकर आएंगे तो इंटू में इधर आएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए कट जाएगा 5 5 5 5 2 10। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 12, और y हमारा कितना आया था, 25। तो फ्रैक्शन हमने क्या माना था, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन y ये था। अब हमें x y की वैल्यू मिल गई, तो रख दीजिए x हमारा क्या है, 12 है, और y क्या है हमारा, 25। तो यही हमारा वो फ्रैक्शन था, यही हमें निकालना था, ये है हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन 12/25। तो ये भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आप 12 वाला देख लीजिए, 12 वाला भी देखिए, बिल्कुल वही चीज़ है, बस यहाँ पर आपको यहाँ पर फ्रैक्शन ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर लेट आप पहले न्यूमरेटर x मान लीजिए और डिनोमीटर को y मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले मैं यहाँ लिख दूँ, लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी वाई। ये न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर हमारा वाई है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, एक्स अपॉन वाई ही तो फ्रैक्शन बनेगा ना। हमेशा न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमेटर नीचे, तो न्यूमरेटर एक्स है तो डिनोमेटर वाई है, तो एक्स ऊपर लिखा वाई नीचे लिखा, ये हो गया। ये तो आप लिख दीजिए पहले, अगर जहाँ पर भी क्वेश्चन आए डिटरमाइन फ्रैक्शन तो आप यहाँ पर ये लिख दीजिएगा पहले, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 < 2 द डिनोमेटर। पहले क्या बोला है, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर, न्यूमरेटर और डिनोमेटर का सम, तो न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमेटर हमारा y है, तो सम का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ना, हमने जोड़ दिया। क्या बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमेटर का सम है वो क्या है, 3 < 2 द डिनोमेटर, 3 < यानी कि माइनस होगा, किसमें से, डिनोमेटर का ट्वाइस करने, जो डिनोमेटर का ट्वाइस करेंगे उसमें से 3 माइनस होगा, 2 द डिनोमेटर। पहले बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमेटर का सम हमने दोनों को जोड़ दिया, अब देखिए 3 < 2 द, 2 द डिनोमेटर का मतलब क्या है, हमारा डिनोमेटर क्या है, वाई है, यहाँ लिखिए वाई, 2 द डिनोमेटर यानी कि 2 द डिनोमेटर यानी कि इसमें 2 इंटू होगा, ये हो गया डिनोमेटर, ये है 2 द डिनोमेटर का मतलब 2 इंटू कर दिया, क्या हो जाएगा, इस 3 यानी कि इसमें 3 माइनस करेंगे, न्यूमरेटर का 2 और उसमें क्या होगा, इस लेस देन, इस 3 < 2 द डिनोमेटर यानी कि डिनोमेटर का ट्वाइस करने के बाद उसमें 3 माइनस करेंगे। तो देखिए डिनोमेटर को ट्वाइस किया, लेस मीन्स होता है कम यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3, ठीक है। तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमेटर को जोड़ेंगे तो जो डिनोमेटर जो फ्रैक्शन का जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमेटर है दोनों को जोड़ दिया, तो ये लिख दिया एक्स प्लस वाई, वो क्या होगा, डिनोमेटर का 2 - 3 < तो इसलिए यहाँ माइनस किया हमने, कम इसमें घटाया है, लेस देन का मतलब क्या है, घटाना, -3 किसमें से, डिनोमेटर को जिसको हमने ट्वाइस किया उसमें से, तो 2y - 3। तो देखिए ये इक्वेशन बनी,
ये बने इस क्वेश्चन में जो पहला कंडीशन बोल रहा था, तो यहाँ से एक मिला। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू टू वाई, टू इंटू वाई टू वाई हो जाएगा माइनस थ्री, ये आया। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई एक साइड कर लेंगे, तो देखिए ये एक्स प्लस वाई यहीं पर लिखिए, इस प्लस टू वाई को हम इधर लेकर आएंगे, तो प्लस टू वाई इधर आएगा, तो साइन क्या हो जाएगी चेंज जाएगी, तो माइनस टू वाई हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस थ्री हमारा यहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा ये x है लिखिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, ये है y और ये है माइनस टू वाई, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2y में से आपको एक y माइनस करना होगा, तो 2y में से एक y माइनस करेंगे तो एक ही y बचेगा। अब क्योंकि साइन दोनों में बड़ा क्या है, ये 2 बड़ा है, तो 2 में 2 का साइन क्या है निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव साइन रहेगा, ठीक है, इक्वल टू, और ये क्या है माइनस थ्री। तो एक इक्वेशन हमें ये मिली, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है, ये मिला। अच्छा अब यहाँ पर एक और कंडीशन बोल रहा है, इफ़ के बाद, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय वन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को वन से डिक्रीज किया गया है, वन से घटाया गया है, वन डिक्रीज किया गया है, डिक्रीज मीन्स घटना, सब्ट्रैक्ट होना। तो हमारा ओरिजिनल न्यूमरेटर क्या था, ये है, और ओरिजिनल डिनोमिनेटर हमारा वाई है, तो दोनों को अब किससे घटाया जा रहा है, आर डिक्रीज्ड बाई वन, तो वन दोनों में माइनस कीजिए, तो देखिए न्यूमिनेटर हमारा क्या है एक्स है, यहाँ न्यूमिनेटर हमारा एक्स और डिनोमिनेटर हमारा वाई है, अब दोनों में घटाना है, तो माइनस वन दोनों में कर दीजिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिक्रीज करना है, एक से घटाना है, घटा दिया। अब क्या बोल रहा है, जब दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से हम डिक्रीज वन माइनस कर देंगे, तो जो न्यूमिनेटर हमारा होगा, द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का हाफ हो जाएगा, न्यूमिनेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर का बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, हाफ द डिनोमिनेटर क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर है ना, तो ये न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का हाफ, तो डिनोमिनेटर ये इसका हाफ क्या होगा, अपॉन टू कर दीजिए ना, यही ना हुआ हाफ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हैं बाय थ्री से, तो डिक्रीज करने पर जो न्यूमिनेटर जो हमारा होगा ना, न्यूमिनेटर वो डिनोमिनेटर का हाफ हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हमारा बाई माइनस वन, तो हाफ मतलब अपॉन टू, यही तो होगा ना, अब यहाँ पर लगा दीजिए इक्वल टू, तो एक दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये एक्स माइनस वन है ना, तो यहाँ पर अपॉन टू है ना, तो इसको हम अपॉन वन लिख सकते हैं कि नहीं भाई, वन का तो कोई मीनिंग है नहीं, वन का मतलब तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन वन का मतलब क्या है, वो एक्स माइनस वन ही कहलाएगा ये, ठीक है। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टू किससे इंटू होगा, इससे होगा, तो टू इंटू, और ये क्या है एक्स माइनस वन है, तो पहले ब्रैकेट में लिख दीजिए, इक्वल टू वन जो है किससे इंटू होगा, वाई माइनस वन से, तो वन से इंटू होने पर तो यहीं आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, टू को इससे इंटू किया तो टू एक्स आया, माइनस टू को इससे इंटू किया तो टू वन जो टू आया, इक्वल टू ये क्या वाई माइनस वन। अब हम x और y को एक साथ कर लेंगे, तो ये 2x यहीं पे रहेगा, इसका साइन प्लस वाई है, इधर आएगा तो साइन माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू ये वन, ये इसका साइन क्या है माइनस वन, ये तो यहीं पे रहेगा, हम माइनस टू को इधर शिफ्ट करेंगे और y को इधर शिफ्ट करेंगे, तो माइनस टू जब इधर साइड जाएगा तो ये प्लस टू हुआ, तो हमारे पास क्या आया 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो टू में से वन माइनस करेंगे तो क्या बचे, वन बचेगा, तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये आ गई, पहली इक्वेशन हमारी ये थी, दूसरी क्वेश्चन ये आई है, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दीजिए, तो ये पहला क्वेश्चन क्या आया था हमारा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। अब इसको भी मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी शुरू कर सॉल्व कर सकते हैं, या एलिमिनेशन मेथड, तो मुझे तो एलिमिनेशन मेथड ही ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड इसलिए इजी लगता है कि किसी एक इक्वेशन को आपको किसी भी नंबर से इंटू करना पड़ता है दूसरे इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक्स वाला वेरिएबल सेलेक्ट किया है, इसका कोफिशिएंट क्या है टू है, तो यानी कि अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को टू से इंटू कर दें तो ये भी टू एक्स हो जाएगा। तो चलिए पहले इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई टू, तो टू लिखिए इंटू और ये पूरा इक्वेशन ब्रैकेट में ये लिख दिया। अब देखिए टू से इंटू कीजिए तो टू इंटू एक्स, टू एक्स हुआ, माइनस टू को वाई से इंटू करेंगे तो टू वाई इक्वल टू टू से ये भी इंटू होगा, तो टू थ्री जै सिक्स विथ माइनस साइन, ये आया हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में टू इंटू किया तो ये आया, तो इसको लिखिए यहाँ पर टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस सिक्स, और दूसरी इक्वेशन इसका अभी यूज नहीं हुआ है ना, ये वाला टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, इसके नीचे लिखिए तो टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। अब ये आ गया हमारे पास दो इक्वेशन, अब देखिए वेरिएबल सेम हो गया, तो इसका साइन प्लस है। अब हमको आगे क्या सोचना है कि दोनों को प्लस करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम जब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये एक्स वेरिएबल जो है कैंसिल आउट होगा। तो हमारा ये इक्वेशन क्या था, फर्स्ट है, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट
थर्ड माइनस फोर्थ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, दोनों को माइनस करना है। तो फिर दोनों को अगेन इक्वेशन एक बार और लिखिए, 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, और नीचे क्या है 2x माइनस y इक्वल टू 1, इसका साइन ऑलरेडी प्लस प्लस लिख दीजिए यहाँ पर, सही रहेगा। अब सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए, अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट यहाँ करेंगे नीचे का सारा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अच्छा पहले इसका साइन क्या था, प्लस, भाई 1 क्या था, प्लस था ना पहले साइन इसका, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस 2x है, अब इसका साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल, ये माइनस, इसका साइन क्या है माइनस, और इसका साइन अब ये माना जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2y में से आप एक y माइनस कर दीजिए तो एक ही y बचेगा। अच्छा अब क्योंकि यहाँ पर ये 2 बड़ा है, इसका साइन क्या है निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव साइन रहेगा इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 1 जोड़ दीजिए तो 7 आएगा। अब क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन है ना, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लगाएंगे। अब इक्वल टू के दोनों साइड निगेटिव निगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आई 7। अब हमें एक्स की वैल्यू भी चाहिए, तो किसी एक में पुट कर दीजिए, जैसे ये हमारा थर्ड इक्वेशन है या फोर्थ इक्वेशन है ना, हमारा जो इक्वेशन आया था वो क्या क्या आया था, ये देखिए पहला इक्वेशन क्या आया था, ये दूसरा ये, तो मैं इसमें पुट करूंगी, यही हमारी पहली इक्वेशन थी ना, देखिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन का नाम दिया, तो मैं इसमें पुट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, यही है। तो देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 7 यहाँ रखिए, इक्वल टू माइनस 3, ये आया हमारे पास, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये x यहीं पर रहेगा और ये माइनस 3 भी यहीं पर रहेगा, इसको हमें शिफ्ट करना है RHS में, तो ये माइनस 7 इधर जाएगा, तो प्लस 7 हुआ, साइन चेंज हो जाएगा LHS से RHS में जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ये आ गया x भी आ गया हमारा 4, और y कितना है 7, तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, फ्रैक्शन हमारा क्या था x अपॉन y था ना, तो क्या हो जाएगा x कितना है हमारा, वैल्यू रख दीजिए x और y की, तो 4 और y क्या है 7, तो ये हमारा फ्रैक्शन है, यही हमें यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे।